नमस्कार। आजकल देश में लेटरल एंट्री के जरिए मोदी सरकार द्वारा सर्वोच्च पदों पर की जा रही भर्ती पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल शनिवार को यूपीएससी के जरिए एक विज्ञापन निकाला गया, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर पद तक के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें यूपीएससी के जरिए नौकरशाही में लेटरल एंट्री की जानी थी। इस विज्ञापन के बाद विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार के इस फैसले को आरक्षण विरोधी बताते हुए बवाल खड़ा कर दिया है। वहीं मोदी सरकार के मंत्री अनिल वैष्णव ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस राज में हुई लेटरल एंट्री की लिस्ट जारी कर दी है। जिस लेटर एंट्री पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है, आखिर वह क्या है, पहले तो ये समझिए। बता दें कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर की जाती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले 15 साल के एक्सपीरियंस वालों की भर्ती अफसरशाही में लेटरल एंट्री के जरिए की जाती है। इसमें शामिल होने वालों की उम्र 45 साल होनी चाहिए। इसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कम ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने वालों में शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लोग शामिल नहीं होते हैं। इन वैकेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है, लेकिन इस पर बवाल मच गया है। पक्ष और विपक्ष इस मामले में आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेता इसे लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर सरकार एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनने का काम कर रही है। यहां तक कि लालू, अखिलेश और मायावती भी राहुल के सुर के सुर में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने केंद्र के इस फैसले को बीजेपी की साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णव ने कांग्रेस पर भ्रामक दावे करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णव ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का विरोध पाखंड के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसकी अवधारणा यूपीए सरकार के समय ही तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी यूपीए सरकार के दौरान साल 2005 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। आयोग ने खास नॉलेज की जरूरत वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। अनिल वैष्णव ने यह भी कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां 1970 से कांग्रेस सरकारों के दौरान होती रही हैं। ऐसे मामलों के उदाहरण में उन्होंने मनमोहन सिंह, मोटे सिंह अहलूवालिया का नाम लिया। वैष्णव ने बताया कि साल 1971 में मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री के जरिए ही विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार के रूप में सरकार में शामिल हुए थे, वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। रघुराम राजन ने भी लेटरल एंट्री के जरिए ही मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। बाद में 2013 से 2016 तक वह आरबीआई के गवर्नर रहे। विमल जालन ने भी लेटरल एंट्री के जरिए कांग्रेस सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया था, फिर वह आरबीआई के गवर्नर बने। सैम पित्रोदा, कौशिक बसु, वी कृष्णमूर्ति, अरविंद विरमानी भी लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में शामिल हो चुके हैं। अनिल वैष्णव ने यह भी साफ किया कि एनडीए सरकार ने लेटरल एंट्री की सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। इस सुधार से शासन में भी सुधार होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लेटरल एंट्री में होने वाली भर्ती के विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि 2014 से पहले लेटरल एंट्री के जरिए हुई भर्तियां एड हॉक आधारित थी। इसमें कई बार पक्षपात के आरोप भी सामने आए थे। हमारी सरकार की कोशिश है इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप से बेहतर, पारदर्शी और खुला बनाने की है।
प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ जोड़कर रखा जाना चाहिए, खास तौर पर आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में। कुल मिलाकर फिलहाल मोदी सरकार ने विपक्ष के हाथ से यह मामला तो छीन ही लिया है। इस खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। We'll be right back.